देखिए, आज जो ये मीटिंग आज की यहाँ पे हुई है, इसकी गर्सोगाई यही है कि हमने पुंछ सिटी के जो हमारे मेन मेन इम्पोर्टेंट वर्कर्स थे, जो हमारे काउंसलर थे, उनको हमने यहाँ बुलाया, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात और पार्टी के जो सीनियर जो हमारे दो तीन जो अहदेदार हैं उनको बुलाया। कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, बड़ी छोटी सी एक ब्रीफ मीटिंग हमने यहाँ पे की। लग ये रहा है कि ये जो प्रेजेंट जो हुकूमत है, जो असेंबली के इलेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि करने जा रही है। न जाने क्या वजूहत है, क्यों ये डर रहे हैं, किस वजह से डर रहे हैं। और एक चीज़ खास करके कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त की हुकूमत है, एल जी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये अच्छी तरह पता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मलियामेट किया और उसके बाद उनके ऊपर रूलर चलाने के सिवाय कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इनको अच्छी तरह पता है कि अगर इन्होंने इस रियासत में इलेक्शन किया, आज जम्मू के अंदर, पीर पंजाब के अंदर, चनाब के अंदर और पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर, और इवन अगर लद्दाख में भी ये करें, लद्दाख में भी आप देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है। वो नौजवान हो वो सड़कों पे है, वो बुज़ुर्ग हो वो सड़कों पे है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सड़कों पे है, और ख़ास करके पिछले जब से ये 370-35 तोड़ा है, किसी भी नौजवान को नौकरी जो इस रियासत में नहीं मिली है। एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और लोगों को खाने पीने की मुश्किल आ रही हैं, यहाँ तक के राशन तक जो है डिपो पे बंद कर दिया गया है। आज इस हुकूमत को पता है कि अगर हम असेंबली इलेक्शन पे उतरे तो इनका कोई एड्रेस कहीं पे जम्मू कश्मीर में मिलने वाला नहीं। हमारी ये मीटिंग की आज की गर्दोगर्द ये थी कि चूँकि ये हुकूमत जो हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है, हो सकता है जिस तरीके से हमें भी पता चल रहा है मीडिया के हवाले से या सेक्रेटरीट के अंदर जो बातें चल रही है, बड़े लेवल पर चल रही है, शायद ये म्यूनसिपलिटी के और पंचायत के इलेक्शन करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक कोर कमेटी जो हमारी है, आज एक कोर कमेटी थी उसकी मीटिंग यहाँ पे हुई, जिसमें हमने एक फैसला लिया। एक तो हम वार्ड वाइज जो है मीटिंग लेंगे सिटी के अंदर, और तमाम जो हमारी वार्ड्स हैं और पंचायत के अंदर, हर पंचायत के अंदर जो है वो मीटिंग लेंगे। कोर कमेटी जो है ये अपनी मीटिंग्स वहाँ पे लेगी और आज से ही निशानदेही करेगी कि किस जगह हमारा कौन सा कैंडिडेट जो है वो वहाँ पे लड़ने के लिए उतरेगा। और जो वो कैंडिडेट है कि आज हम लिस्ट, मैंने इनको ये कहा कि हमें शाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर हम उसकी शाया करेंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हुकूमत उनको भी तंग करना शुरू कर देगी। लोगों को जगह जगह हरास किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो हमने अपनी जगह वो तैयारी पूरी कर दी है ताकि आने वाले वक्त में जो है इनको हम जवाब दे सकें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होगा, जिस तरीके से पिछली बार पंचायत के इलेक्शन हुए और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए, इस जमात को डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर बड़ा ही जो है ज़ीरो का रिजल्ट यहाँ पे आया। अगली बार आप देखेंगे कि इस खास करके बीजेपी का यहाँ मुझे नहीं लगता है कहीं खाता खुलेगा, इनका खाता ज़ीरो पे रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो लोगों के साथ किया है, लोग उसका बदला जो है इनसे वोट लेके लेंगे, जमहूरी दायरे के अंदर लेंगे। और ख़ास करके इन्होंने बहुत से ऐसे ये दिखाते हैं, ये फलाना हमारा सरपंच आ गया, ये हमारा सरपंच आ गया। अगर आप उन लोगों का बैकग्राउंड देखोगे तो उनको हमने ही सरपंच बनाया, उनको हमने ही जिता के लाया है। आज हमें गांव से टेलीफोन आ रहे हैं, आज हमें गांव से जगह जगह, मुझे कश्मीर से मेरे साथियों के फ़ोन आता है कि हमारे दफ्तर में बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं। जम्मू के अंदर हमें जो है लोग टेलीफोन कर रहे हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं। हम कायदे सारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क्यादत में और उमर साहब की क्यादत में जो है इस रियासत को फिर से खुशहाल देखना चाहते हैं। पुंछ के अंदर मुझे कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहाँ से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि जनाब आप जब पंचायत का फैसला करोगे तो काइंडली हमें जो है कंसिडरेशन में वहाँ रखो। शहर के अंदर हमें टेलीफोन आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने इन तमाम साथियों को कहा कि मैं कोई भी फैसला आपके ऊपर नहीं डालने वाला हूँ, जो हमारी कोर कमेटी का फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। इसलिए जिस जिस को भी जहाँ जहाँ जो आपने कैंडिडेट की सिलेक्शन करनी है, देखनी है, या जो लड़ना चाहते हैं, वो इस कोर कमेटी के पास जो है अपनी बात रखें ताकि आपका जो आने वाला मुस्तकबिल हो बेहतर हो, डेवलपमेंट हो और इस इलाके की तरक्की। थैंक यू सर।